जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। मेरे चैनल लर्निंग विद सियाम आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। सर्दियों ने दस्तक दे दी है और सर्दियों में हम इस तरीके की ठाकुर जी को पोशाकें पहनाते हैं। ये ज्यादा सर्दी होती है तो ऊन से बुनी हुई पोशाक बनाते हैं। बहुत सारे लोगों को निटिंग नहीं आती है, क्रोशिया करना नहीं आता है, क्रोशिया चलाना नहीं आता, तो दोस्तों उन लोगों को फिर दिक्कत होती है। उन लोगों को ऊनी पोशाक कहाँ से मिले, तो ऐसे आप गर्म कपड़े लेकर के उनसे आप पोशाक बना सकते हो, डिजाइनर पोशाक बना सकते हो और बहुत ही सुंदर लगती है ये पहनाने में। तो चलिए इसी कड़ी में आज आपको हम 6 नंबर के ठाकुर जी के लिए बहुत ही प्यारी सी एक डिजाइनर ड्रेस बनाना सिखाएंगे। उसके लिए दो तरीके, ये वेलवेट लिए, एम्ब्रॉयडर्ड वेलवेट है और ये आपकी प्लेन वेलवेट है। इन दोनों में से कॉम्बिनेशन करके हम ड्रेस बनाएंगे। तो इसके बनाने के लिए सबसे पहले हमने पेपर पे कटिंग करेंगे। तो पेपर तो देखिए, ये 13 इंची चौड़ा और 13 इंची लंबा हमने ये पेपर कट किया है। इस पेपर को पहले 4 तह करेंगे, एक बार फोल्ड करेंगे हम लंबाई में और एक बार फोल्ड करेंगे चौड़ाई में। बहुत ही आसान तरीके से ये ड्रेस आपको सिखा रहे हैं। देखने में आपको बहुत टफ लगेगी, लेकिन जब आप इस तरीके से फॉलो करते हुए ये पोशाक बनाएंगे तो आपको लगेगा ये तो बड़ी इजी थी पोशाक, तो हमें देखने में बहुत हैवी लग रही थी। इस तरीके से एक बार और फोल्ड कर, ये देखिए, एक बार लंबाई, एक बार चौड़ाई में मैंने फोल्ड किया, फिर एक बार और इसको हमने जो 1/6 हो गया था इसको एक बार और फोल्ड करिए, 1/8 हो गया। अब इसको हम फिर से एक बार और फोल्ड कर रहे हैं, ये देखिए एक बार और फोल्ड कर दिया और यहाँ पर हमने ये निशान लगाया और इसको हमने ये कट कर दिया, ये देखिए ये कट कर दिया, इसके बराबर हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहां से हम 1 इंची छोड़ करके निशान लगाएंगे। ये जो ओपन वाली साइड है ना, यहां से हमने 1 इंची छोड़ा है और इसको हम यहां से इस तरीके से जो भी आप शेप देना चाहें उस शेप में ले आए। ये देखिए, ये थोड़ी सी हम इसको गोलाई में देते हुए ये हमने पत्ती की शेप इसमें ले ली है। आप बिल्कुल गोल लेना चाहें बिल्कुल गोल ले सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से ये नुकीली पत्ती की शेप बन गई है, बहुत ही प्यारी सी शेप है। अब इसी शेप में हम ये ड्रेस बनाएंगे। ये देखिए, हमारी ये 8 कली का फ्लावर बन गया है। अब देखिए, ये फ्लावर हमने पूरा हमारा बन गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, स्केल से लाइन खींच के पेटल्स को अलग अलग कर देते हैं। ये निशान हमने लगा लिया और इसकी पेटल को कट कर लेते हैं, एक ही पेटल कट कर लेते हैं, एक ही पेटल से हमारी सारी पेटल्स कट जाएंगी। ये एक पेटल हमने कट कर ली। अब इसको हमें क्या करना है, ये देखिए, हमने पेपर फोम लिया, ये इस पर भी पेस्टिंग होती है, एक साइड वैक्स लगा होता है, इसको हम फैब्रिक गर्म प्रेस से फैब्रिक के ऊपर चिपकाएंगे तो ये चिपक जाएगा। तो अब क्या करना है हमें, देखिए एक फैब्रिक हमने ये लिया है, तो देखिए ये फैब्रिक को हम उल्टा रखेंगे। उल्टा रखने के बाद हमने प्रेस गर्म होने के लिए रख दिया है और इसके ऊपर ये पेपर फोम को हम एकदम हीटेड प्रेस रख करके इसके ऊपर चिपका लेंगे और चिपकाने के बाद इसमें से हम 4 पेटल्स को कट करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से एक पेटल रखेंगे, दूसरी साइड के इस तरीके से पलट करके रखेंगे ताकि हमारा कपड़ा वेस्ट ना जाए। तो 4 पेटल हम इसमें से कट कर लेंगे और 4 पेटल हमने ये रेड फैब्रिक लिया इसमें से कट कर लेंगे। तो दोनों पीस में से हम इस तरीके से 4-4 पेटल्स इसे रख के कट कर लेते हैं। लेकिन जब हम कट करेंगे ना तो ये निशान लगाएंगे हम पहले इस पेटल को, ये पैटर्न को रख करके, ये अखबार का जो हमने न्यूज पेपर का पैटर्न कट किया है उसको रख के हम इस तरीके से निशान लगाएंगे और निशान लगाने के बाद में हम 1/4 इंची हम ज्यादा कटिंग करेंगे क्योंकि हमें सिलाई में भी देना है, इसलिए तो हमें चारों तरफ से ये 1/4 इंची एक्स्ट्रा कट करके तब हम कटिंग करेंगे। निशान हम इतने पर ही लगाएंगे जितना हमारा न्यूज पेपर का पीस है। तो ये सब काम हम कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं आगे क्या करेंगे। ये देखिए, 4 पेटल्स के हमने इसमें मार्क कर लिए हैं और एक मार्क के बीच में दूसरे में हमने थोड़ा 1/2 इंची का गैप दिया ताकि इसमें से हम कटिंग कर सकें और दूसरे इस ये वाले 4 पर भी हमने मार्क कर लिए। अब इनकी हम कटिंग कर लेते हैं।
ये देखिए चारों पेटल्स हमने ये वाली एम्ब्रॉयडरी वाली कट कर लिए, चारों हमने ये प्लेन वाली कट कर लिए। अब इनको हमें अरेंज करना है। ये देखिए किस तरीके से हम लगाएंगे, एक पेटल हम ये रेड लेंगे, एक ये ग्रीन लेंगे। इसको हम ऐसे जहां पर हमने निशान लगाया है एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, और रखने के बाद में ये बिल्कुल देखिए ये जो निशान है, निशान पर हम मशीन चलाएंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ यहाँ तक हमें मशीन चला करके और ये सारी पेटल्स को हमें जोड़ लेना है आपस में, एक जॉइंट कर लेंगे। तो इसमें एक पेटल हमने ये एम्ब्रॉयडरी वाली ली, एक प्लेन ली, फिर एक एम्ब्रॉयडरी वाली लेंगे, फिर एक प्लेन लेंगे, फिर एम्ब्रॉयडरी वाली लेंगे, फिर प्लेन लेंगे, फिर एम्ब्रॉयडरी वाली, और ये फिर प्लेन। ये देखिए हमारा बहुत ही खूबसूरत सा आठ कली का ये फ्लावर बन जाएगा। ये देखिए हमारा बहुत ही प्यारा सा एक फ्लावर बन करके तैयार हो गया। यहाँ से हमने ओपी नहीं छोड़ा, यहाँ पर से हमने अभी जॉइंट नहीं किया है क्योंकि हमें पलटना है और एक साइड से तो हमें ओपन रखना ही है। इसलिए अब इसका क्या करेंगे, हम एक अस्तर कट कर लेते हैं। अस्तर हम प्लेन आर्कंडी का, व्हाइट आर्कंडी का ही कट करेंगे। तो व्हाइट अस्तर हमने कट कर लिया है, और व्हाइट अस्तर हमने जितना हमारा ये गोल घेरा बन करके आ रहा है, तैयार हो रहा है। ये देखिए हमारा ये गोल घेरा हम यहाँ से नापते हैं कली से, कली से, तो देखिए ये 14 इंची आ रहा है। तो हमने थोड़ा सा और ज़्यादा कट किया है और इसको हमने गोल कट कर लिया है। हमने 16x16 इंची का पीस लेकर के उसको गोल कट कर लिया है। एक्स्ट्रा बचेगा हमारा तो उसको हम कट करके बाहर निकाल देंगे। इसकी 4 तह करके हम इसके कमर की गोलाई भी कट कर लेते हैं। कमर की गोलाई हमें कितनी लेनी है, 1 इंची। देखिए 1 इंची, 1 इंची, ये पूरी गोलाई जब हम नापेंगे इसका व्यास तो ये हमारा 2 इंची तैयार हो जाएगा। तो इसको हम कट कर देते हैं। कट करने के बाद में इसको हम खोलेंगे। क्या करना है, हमने ये जो पीस हमारा तैयार हो गया है फ्रेम एक बन करके, इसको देखिए इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। गोल घेरे के ऊपर हम उल्टा रखने के बाद इसकी हर पेटल की टिप पर हम इसे ये पिन से सेट कर देंगे ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी रहे। ये सारी पेटल्स पर हमने पिन लगा ली। अभी से देखिए पलट करके दिखाते हैं आपको। ये पलट करके ये हमारा है ना कमर के गोलाई का हिस्सा हो गया था। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सारी हमारी दिखाई दे रही है आरकंडी, हमने इसीलिए लगाई है, ट्रांसपेरेंट है थोड़ी सी तो ये दिखाई देगी, नहीं तो इसे पलट करके इस तरीके से सिलाई लगाएंगे हम। ये सारी पेटल्स में इसके यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाते हुए, और जहाँ से हमारी ओपन है यहाँ से हम पूरी लगाएंगे सिलाई। तो यहाँ तक ले आएंगे और लाने के बाद में सिलाई पूरी लगाने के बाद इसे हम पलट लेंगे। जो पिंस हमने लगाए हैं इनको हम निकाल लेते हैं। और इसकी हम कटिंग कर देंगे। अब ये जो कॉर्नर है ना इन पर हम थोड़ा कट का निशान लगाएंगे ताकि हम इसे आसानी से पलट सकें। इस तरीके से इनकी सारी नुके हम निकाल लेते हैं। ये देखिए हमने इसको पलट दिया। पलटने के बाद देखिए किस तरीके के लुक में आ रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये प्रिटी लग रहा है। अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये जो हमने कमर की गोलाई को कट किया हुआ है ना अस्तर के अंदर, इसमें सिलाई लगा देते हैं, और सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा नजर आ रहा है इसको कट करके निकाल देंगे। Go, 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 go.
हमारी कमर की गोलाई कट गई, अब हमें क्या करना है? आप चाहे तो इसे ऐसे ही रहने दे सकते हैं, बस इसमें कम नेफा लगा करके हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये मैंने लेस ली है। इस लेस को देखिए मैं क्या करूँगी, इस लेस को यहाँ पर ऊपर हम टक करेंगे इसके, और इस तरीके से मोड़ते हुए लेकर के आएंगे बिल्कुल किनारे किनारे। यहाँ पर आकर के हम इसको यहाँ कोना बनाते हुए इसको मोड़ेंगे वापस, और इस तरीके से हर पेटल के अंदर यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे। फिर दूसरी जब हम लाइन शुरू करेंगे ना, तो बिल्कुल इसके बगल से हम दूसरी लाइन ये शुरू करेंगे इस तरीके से, ये ऐसे, और फिर ये दूसरी लाइन हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेके जाएंगे, तीसरी फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ से यहाँ तक लेकर आएंगे। इस तरीके से हर पेटल के अंदर ये हम ये लेस लटक लेंगे। ये देखिए लेस लगा करके कितना खूबसूरत लग रहा है ना घेर। अब इसमें हम नेफा लगा लेंगे, तो नेफे के लिए हमने 1.5 इंची चौड़ी पट्टी, ये औरेबी पट्टी हमने कट की है वेलवेट की ही, और इसको हम उल्टी साइड से यहाँ से लगाएंगे थोड़ा सा, आधा इंची अंदर की साइड मुड़ के ये पूरी गोलाई में हम इसे टक कर लेते हैं। उसके बाद डोरी डाल करके पलट करके सिलाई लगाएंगे। अभी डोरी ली है, डोरी में एक साइड दोनों साइड हम नॉट लगा लेते हैं ताकि डोरी खुले ना, दोनों छोरों पे हमने नॉट लगा ली। अभी डोरी को देखिए बीच में रखेंगे, ये इसको इस तरीके से मोड़ेंगे, मोड़ने के बाद एक बार और मोड़ेंगे, डोरी को बीच में रखेंगे और इस तरीके से इसे मोड़ करके यहाँ किनारे किनारे सिलाई लगा देंगे। ये नेफा हमने लगा लिया, अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये दोनों आपस में कली मिला करके, ये गैप है इसको दूर करना है, इसको दोनों में को आपस में मिला करके या तो हम थोड़ा सा टांका लगा लेंगे 1-1.5 इंची में, नहीं तो इसमें यहाँ एक टिच बटन भी लगा सकते हैं, तो हम टिच बटन लगा लेंगे या टांका लगा लेंगे, जो भी है आपको ईजी लगे। ता इससे क्या होगा कि जो हमारे घेर है ना, ये थोड़ा सा उठ जाएगा और ये बिल्कुल फ्लावर जैसा देखे नजर आएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने प्लेन पेटल्स छोड़ी हैं इनमें हम ये वाली बूटी लगाएंगे, इनको हम ग्लू गन की मदद से चिपका लेंगे, फिर इसके बीच में ये एक बड़ा स्टोन लगाएंगे, फिर ये छोटे स्टोन लगाएंगे, तो इस तरीके से ये चारों हम पेटल्स का डेकोरेशन कर लेंगे। ये पहले चोली बना लेते हैं, तो देखिए चोली के लिए हमने 3.5 इंची चौड़ा और 9 इंची लंबा ये फैब्रिक लिया है हमने, देखिए ये 3.5 इंची चौड़ा है और ये 8.5 इंची लगभग ये लंबाई में है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको देखिए हमने पेस्टिंग फोम है उसके ऊपर चिपका लिया है, तो क्योंकि जो वेलवेट होती है ना जब हम कटिंग करते हैं तो भागती है, तो पेस्टिंग बुकरम चिपका लेने, ये पेस्टिंग फोम चिपका लेने से ये इधर उधर नहीं रह जाएगी और एक जगह पर स्टिल रहेगी। यहाँ से लगभग 0.5 इंची पर निशान लगाएंगे और ये यहाँ से इसको तिरछा कट कर देंगे, और साथ ही हम गले की 0.5 इंची पर गले के निशान लगाएंगे, इसको कट कर देते हैं। ये पहले गले की गोलाई हमने कट कर दी, उसके बाद में इसको ये कट कर दिया, उसके बाद में बैक से हमें ओपन रखना है तो यहाँ से भी हम कट कर देते हैं। अब इसका अस्तर भी हमने कट कर लिया है, अस्तर के ऊपर से उल्टा रखेंगे, उल्टा रखने के बाद यहाँ से लेकर के गोलाई में पूरी सिलाई लगा देंगे, सिलाई लगाने के बाद इसे अस्तर को कट करके इसको हम पलट देंगे। Thank you.
छोटे छोटे से यहाँ कट लगाएंगे ताकि पलटने में गले में झोल ना आए। पलट देते हैं। ये बहुत आसानी से देखिए पलट गया। अब इसके बाद में इसकी आउटिंग पर हम सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लाने के बाद में इसे गोटे से हम लॉक करेंगे। टेप लगाने के बाद ये दोनों साइड से हम मोड़ लेंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी दोनों तरफ से। ये देखिए हमारी बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बन करके तैयार हो गई। कितनी प्यारी लग रही है ये ड्रेस। देखिए किसी भी फेस्टिवल पे, शादी पर आप पहना सकते हैं, आपके घर में शादी का प्रोग्राम है वहाँ पहना सकते हैं, किसी फेस्टिवल पे पहना सकते हैं। और ये हमारी चोली। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगले वीडियो में बहुत जल्दी ही मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए राधे राधे।